माने एक श्रद्धा के दृष्टि देखता है, लेकिन उनका ओछापन है बहुत निंदनीय है। उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए, अभी तक माफ़ी मांगना चाहिए। जितना भी इसकी निंदा किया जाए, हर धर्म को इज्जत करना चाहिए और किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है ये खराब है। ये हमको उनका क्षेत्र के बहुत लोग कल बता रहा था, आया था सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, वही लोग बोल रही थी या बोल रहा था कि एक भी टीचर उसको वोट नहीं देगा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को। यह शर्मनाक है, उनकी अज्ञानता है। मैं शिक्षा मंत्री को अज्ञान मानता हूँ, उससे ज़्यादा गलती अगर बिहार में कही जाए तो बिहार के मुखिया का है। तो फॉलो करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बयानबाजी जो है वो गलत है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो नेता है वही लोग डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयानों को लेकर विवादों में गिर गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से उन्होंने बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में विरोध जताई जा रही है और उनसे लगातार मांग की जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपने इस विवादित बयान को वापस लें और इसको लेकर माफ़ी मांगे। तो चलिए, हम अभी मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और वहाँ पे जानते हैं हम लोगों से कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ये विवादित बयान दिया है, आखिर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह वो लगातार कह रहे हैं कि हमने जो बयान दिया है हम आज भी उस पे कायम हैं और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ राय है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस पर बयान दिया है यह शर्मनाक है, उनकी अज्ञानता है। जिस तरह बच्चे चांद को देखकर घर वालों से कहता है मम्मी मुझे चांद ला दो, यह उसकी ना समझी है। ठीक वही हालत बिहार के शिक्षा मंत्री का है और आश्चर्य इस बात का है बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया चुप्पी साधे हुए। मैं शिक्षा मंत्री को अज्ञान मानता हूँ, उससे ज़्यादा गलती अगर बिहार में कही जाए तो बिहार के मुखिया का है जो आज तक चुप साधे हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई न की। इसलिए यह पूरी सरकार बिहार के लायक नहीं है। आने वाले समय में जनता इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इनको सबक सिखाएगी। मेरा तो यही कहना होगा कि धर्म के बारे में किसी का कुछ नहीं बोलना चाहिए आदमी को। अपना अपना धर्म है, हिंदूज है हमारे यहाँ, मुस्लिम सारा कुछ हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बयानबाजी जो है वो गलत है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो नेता है वही लोग डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ हम इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। अपने बात को लेकर अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जबकि माफ़ी की लगातार तो देखिए धर्म के बारे में है तो उनको एक बार माफ़ी मांगने में कोई ये नहीं है, मतलब उनको कुछ ये नहीं हो जाएगा, उनका रिस्पेक्ट वगैरह कम नहीं हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। और कुछ उनको नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि वो तो हमसे कहीं ना कहीं एज में भी ज़्यादा है, तो उनको कहीं ना कहीं नॉलेज होगा, बट धर्म के बारे में थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए, मेरा यही है उनसे। उनके क्षेत्र के लोग भी मिले थे कल स्टेशन पे, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उन लोगों ने भी बहुत निंदा किए हैं और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ RJD के नाम पर उनको वोट देता हूँ, लेकिन वो विधायक बनने लायक नहीं है, वो तो मंत्री बना दीजिए तेजस्वी जी। तो इसलिए जो है ना, वो जितना भी इसकी निंदा किया जाए, हर धर्म को इज्जत करना चाहिए और किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है ये खराब है। और उनके लिए जो प्रोफेसर की उपाधि है, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका प्रोफेसर का कोई भी लूर लक्षण नहीं है मंत्री जी को। क्या लगता है आपको, माफ़ी की लगातार माफ़ी तो मांगना चाहिए उनको। धर्म के बारे में बोल रहे हैं और धर्म को जलाया जाता है, ये सब जो है ना, माने ओछी मानसिकता और पागलपन है उनका मंत्री जी का। और सिर्फ लालू जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर, उनको कोई वहाँ क्षेत्र में कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमको उनका क्षेत्र के बहुत लोग कल बता रहा था, आया था सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए, वही लोग बोल रही थी या बोल रहा था कि एक भी टीचर उसको वोट नहीं देगा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को। और हिंदू हैं तो हिंदू के लिए तो रामचरितमानस आदरणीय ग्रंथ है, जिसको माने हर आदमी उसको पवित्र मानता है और उसको माने एक श्रद्धा के दृष्टि देखता है, लेकिन उनका ओछापन है बहुत निंदनीय है। उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए, अभी तक माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं मांग रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री का यह स्टेटमेंट है तो सोचिए
कि क्या होगा, क्या कहाँ जाएगा विद्यार्थी, इसलिए बहुत गलत बात है, इसके लिए एकदम घोर प्रश्न। जैसे उन्होंने कहा है कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, आपको कहाँ से लगता तो है उस ठीक है वो नफरत फैलाने वाली बात को पहले साबित कीजिएगा आप लोग ना। तो वो आप जो कह रहे हैं कि वो माफी भी नहीं मांग रहे, माफी मांगने का क्या सवाल, पहले का स्टेटमेंट तो उनका सुना होगा ना। हमने स्टेटमेंट सुना है तो माफी मांगने का सवाल क्या है, क्या किसी को गाली दिए हैं, किसी को क्या किए हैं, अपमानित किए हैं? ग्रंथ के बारे में अगर सवाल करते हैं वो भी रामचरितमानस जो कि दुनिया तो राम, अच्छा ठीक है, रामचरितमानस में यदि कोई बोले हैं कि कोई सेंटेंस उसमें गलत है उसका वो विरोध किए हैं, रामचरितमानस विरोध नहीं किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद उसमें कोई ऐसे श्लोक हो या फिर कोई ऐसे तो, शब्द तो हो। आप पढ़े हैं रामचरितमानस, आपको क्या लगता है हमने रामचरितमानस बखूबी जान तो, अच्छा जानते हैं तो इसका क्या ढोल गंवार रामचरितमानस हर घर में मौजूद होगा। एक सेकंड हमारी बात सुनिए, आप सुनिए आप उसको गलत ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रामचरितमानस आज हर किसी के घर में मौजूद है और समाज में रहने का तौर तरीका वो सिखाता। अगर हमने कहीं गलत बोला हो तो आप लोग बताइए कि रामचरितमानस एक बेटा का फर्ज, एक बेटी का फर्ज, एक पत्नी का फर्ज और एक पति का फर्ज बताता है, तो आप उसके आधार पे कैसे कह सकते हैं हम उस रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें ऐसे कौन से श्लोक गलत है, जैसे हाँ जैसे शूद्र गंवार जो लिखा हुआ है जो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, तो सभी माने कमजोर वर्ग के लोगों को ना उसका अर्थ नहीं हुआ, क्या अर्थ हुआ उसका? आप अर्थ बता रहे हैं कि शूद्र तो ठीक है, इसी पर ना विरोध हुआ है, ये प्रसंग और पहले उठा था। मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ क्या होता है, तारण माने उधार करना, तारण मतलब हुआ उधार करना, उधार का मतलब ढोलक का बोल रहा है। सुनिए कह लेंगे ना, सुन लीजिए, तो ढोलक को क्या तारना है, ढोलक को क्या तारना है, नारी को तो तार दिए, मान लेनी पशु को तार, उसमें तो तारना मुद्दे पे ठीक है। जो आप लोगों को पूछना है जाके मंत्री से पूछिए, हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि रामचरितमानस दब नहीं है लेकिन उसमें कुछ तत्व जो है उसका विरोध किया गया। कुरान हम लोग सबकी इज्जत करते हैं, बात मेरा पर्टिकुलर वो नहीं है, बात ये है कि किसी धर्म ग्रंथ को लेकर इस तरह की बातें कही गई और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं होना, सुनिए धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं होना चाहिए ये हम कहते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ उक्तियां हैं उसका विरोध मत कीजिए। उसका वो क्लियर नहीं किया है, उसको उस चैप्टर से हटाइए, विरोध समाप्त हो जाएगा। रामचरितमानस सम्मानित है लेकिन तो उसमें विवादित शब्द को हटा दे, आज तक तो उसका भी और कहा जाता है कि हर ग्रंथ जो है वो बड़ा मैसेज देता है, हर ग्रंथ बड़ा मैसेज देता है, उसके अच्छाइयों को जानिए ना, उसके अच्छाइयों पे इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उसके बुराइयों को क्यों देखते हैं। यदि रामचरितमानस में रामायण में यदि कुछ सच्चाई है उसका पालन करेंगे, बुराई है तो क्यों पालन करेंगे हम? तो कह रहे हैं ना कि आप हम बुराई ऐसे सब यदि हमारे नजरों में है कि नहीं, मेरे लिए वो सही नहीं है तो उसका पालन हम नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? हमको यही लगता है शिक्षा मंत्री के बारे में कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और लगता है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसमें पूरी तरह हम अपनी बात से सहमत हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कई ऐसी लाइन है जो कंट्रोवर्सी है। आज जो है धर्म के नाम पर जो बरगलाया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो कि पूरी तरह जो है समाज में वैमनस्यता फैलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी औरत हो या शूद्र होगा किसी भी जाति का हो, सबको बराबर अधिकार है, इस तरह का टिप्पणी यह हमें धर्म के विरुद्ध बताता है। धर्म ये नहीं कहता ना कि आप उसके जो चीज़ों को बारीकियों को जो है उस तरह से जाने, आप उसमें बहुत अच्छे मैसेज भी दिए गए हैं तो आप उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर यह बाइबल हो, रामायण हो, गीता, उन्होंने पूरी तरह से सारे रामचरितमानस को अवहेलना नहीं किया, कुछ शब्दों को कुछ लाइनों को जो कि वैमनस्यता वाली बात थी उसी को उन्होंने उजागर किया है। पूरा रामचरितमानस ऐसी बात होती तो इतना विरोध तो नहीं होता, मात्र उसी के लिए विरोध हुआ। पूरी रामचरितमानस को उन्होंने गलत नहीं कहा, कोई भी धर्म ग्रंथ हो उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ न कुछ ऐसा टिप्पणी कर दिया गया है, उसका अर्थ भी समझना होगा कि किस सेंस में लिखे। कोई भी चीज़ होता है उस परिस्थिति में क्या सोच करके लिखा गया, परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि परिस्थितियाँ क्या थी कि तुलसीदास या को लिखना मजबूर होना पड़ा वो समझ। लेकिन वो जिस जगह पे गए थे वहाँ पे तो इस सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बन जाता था, क्योंकि वो मतलब स्टूडेंट के बीच वहाँ पे गए हुए थे और इस तरह की जब बातें कही। हाँ यह बात मैं मानता हूँ कि वह जगह जो था दीक्षांत समारोह था, दीक्षांत समारोह में इस तरह की कोई राजनीतिक बातें नहीं कहनी चाहिए थी, वहाँ पर गलत किया उन्होंने।
तो देखा आपने, यहाँ मौजूद लोगों ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री को अपने दिए गए बयानों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म है वो कहीं ना कहीं लोगों को सौहार्द सिखाता है, लोगों को प्रेम सिखाता है। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये ग्रंथ जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, वो निहायती गलत है।